हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेविल्स बैकबोन प्लांट। तो इस प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप लोगों को। तो पहले ये प्लांट मेरा पड़ा था सेमी शेडेड एरिया में, अब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में लेके गई हूँ। तो डिफरेंस इसमें मेनली ये आया कि पहले की लीव्स जैसे कि थोड़ी बहुत रह गई होंगी, वो कैसे दिखाऊँ, जो पुरानी इसकी ग्रोथ थी उसका लीव्स का कलर है ये वाला ग्रीन, देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर, और जो नई ग्रोथ हो रही है उसका कलर है ये वाला वाइट। इतना डिफरेंस है, जैसे कि मैं दोनों को साथ साथ करके कंपेयर करवा रही हूँ। टूट गई पत्ती, ये देखिएगा इस पहले का कलर ये और अब का कलर ये, इतना डिफरेंस आ गया धूप में इसका। इवन कि ऐसे नहीं कि ये गंदा लग रहा है प्लांट, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक में इसकी। ये वाइट वाइट सी लीव्स, सी क्रीमिश सी लुक की अच्छी लग रही हैं। पहले काफ़ी डार्क था, इतनी डार्क ग्रीन लीव्स थी, तो पहले बिल्कुल मतलब कि शेडी एरिया में था। तो अब मैं इसको ले गई हूँ डायरेक्ट उठा के, क्योंकि इसकी ना ग्रोथ नहीं हो रही थी, न्यू लीव्स नहीं निकल रही थी। प्लांट देखने में तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन था लेकिन ग्रोथ इसकी रुक गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको अब डायरेक्ट सनलाइट मिलती है इसको 3-4 घंटे की मिल जाती है। तो इतने में इसकी ग्रोथ काफ़ी चल गई है, काफ़ी बुशी सा हो गया, ये देख लीजिए आप, काफ़ी भर गया है ये पॉट। पहले सिर्फ इसकी टहनियाँ सी थी, और लेकिन इसकी लीव्स का कलर चेंज हो गया है, बस ये डिफरेंस आया है और कुछ नहीं है। लेकिन ग्रोथ काफ़ी निकल रही है, नई नई पत्तियाँ रोज़ की रोज़ निकल रही हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप छोटी छोटी, यहाँ से भी हर रोज़ सारी स्टेम्स में पत्तियाँ निकल रही हैं। इधर भी नई ग्रोथ हो रही है, जो भी नई ग्रोथ हो रही है वो कलर उसका डिफरेंस ही आ रहा है कलर में। ये देखिए ये वाइट, ये पहले की ग्रीन है, अब की वाइट आ रही है। तो एक्चुअली मेरे पास थे ये 2 प्लांट्स पहले, और काफ़ी लैगी हो गए थे प्लांट्स, जैसे ही मैं नर्सरी से लेके आई वो लैगी लुक में थे। और जैसे कि ये देख रहे हैं ना, इस हाइट के थे, एक बची थी उसकी टहनी, और दूसरे सारे मैंने कट कर दिए थे, इस हाइट के थे और ऐसे गिर रहे थे वो सारे, कोई किधर को जा रही थी टहनी, कोई किधर को। तो सारे को मैंने काट काट के इसको प्रोपोगेट किया, जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप, नीचे के स्टेम्स को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये तो मेन प्लांट है ये वाला, तो उसके अलावा जैसे कि ये हो गए हैं, ये हो गए हैं, ये हो गया छोटा सा, और इधर हो गए इतने प्लांट्स है ना, मतलब कि कोई कम से कम कोई 10 प्लांट लगा दिए थे मैंने उसके स्टेम्स को काट काट के। हाफ़ लेंथ हो गई थी उनकी, जैसे कि देख रहे हैं ये इतनी हाइट पे है, तो ये मैंने हाफ इतनी इतनी काट काट के ना लगा दी थी। तो उससे एक तो पूरा पॉट भर गया है, प्लांट पूरा बुशी हो गया है, ग्रोथ भी काफ़ी चलने लगी है, और एक ना वो लैगी से अच्छे नहीं लगते हैं काफ़ी, जैसे नीचे को बेंड हो रहे हैं, कोई किधर को गिर रहे हैं, तो वो नहीं अच्छे लग रहे थे मेरे को। तो अब सारे के सारे वो चल गए हैं, सिंपली मैंने कोई इसमें वो रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ नहीं लगाया, और इसमें कोई इतनी फंगस वगैरह या मिली बग वगैरह अटैक नहीं करती इस प्लांट को, और सारी की सारी स्टेम्स चल गई हैं। एक स्टेम इसकी ये रह गई थी, और उसकी भी अब न्यू लीव्स आने लग गई, जैसे कि देख पा रहे हैं अब वो भी न्यू लीव्स निकालने लग गई स्टेम। इधर भी नई पत्तियाँ आ रही हैं, सारी की सारी जितनी भी स्टेम्स लगाई थी एक भी नहीं ख़राब हुई, और कलर वैसे इसका बहुत प्यारा लगने लग गया है, ये फाइकस की तरह कलर आ रहा है अब इसका, स्टारलाइट फाइकस की तरह, ये देखिए। और जो इसकी सोइल है वो है वेलड्रेन्ड सोइल, जैसे पानी डालते हैं जितना ऑब्जर्व करना है मिट्टी कर लेती है, दूसरा सारा ड्रेन आउट हो जाता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फिलहाल तक, ना कोई पत्ती झड़ी है, ना कोई और प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल फ्रेश लुक में प्लांट पड़ा है ये। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम इसे डायरेक्ट 3-4 घंटे की धूप लगवाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से निकल के आती है। हाँ, अगर आपको इस कलर की लीव्स नहीं चाहिए, डार्कर ग्रीन चाहिए, तो आप थोड़ा इस बात से बच सकते हैं, मतलब कि धूप से डायरेक्ट धूप ना लगवाइए, सेमी शेडेड एरिया में रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे भी प्लांट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बुशी बन गया मेनली ये इसका था, और बीच में इसकी जो इसकी वाटरिंग है, वाटरिंग में 2-3 दिन बाद देती हूँ, और सोइल आप देख सकते हैं ऐसे वेलड्रेन्ड सोइल है इसकी, सिर्फ मॉइस्ट है, ऐसे हाथ लगाते हैं तो पूरी ऐसे अलग अलग हो रही है, ये निशानी होती है वेलड्रेन्ड सोइल की। जैसे उसे हम थोड़ा सा करें, उसको हल्का सा दबाएं ऐसे, तो भुरभुरी सी हो वो, तो वही सोइल है उसकी। और
कटिंग का मैंने मेथड आपको बता ही दिया था, फिर भी आप लोगों के साथ जो एक मेरी और लेगी सी ये स्टेम है इसका हम शेयर कर लेते हैं। रिपोर्टिंग की इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसी पॉट में काफ़ी टाइम चलेगा, ये साल निकल जाएगा अभी इसी पॉट में, क्योंकि अभी जो ये जो न्यू स्टेम्स हैं इसको पूरा प्लांट बनने में या रूट्स काफ़ी डिवेलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो लीव्स वगैरह कोई नहीं गिरी है, बिल्कुल फ्रेश लुक में प्लांट पड़ा है ये, और काफ़ी हार्डी प्लांट है, कोई इसकी इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं है और पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट पानी की इतनी है नहीं है। तो एक और हम कटिंग इसकी अलग से लगा देते हैं, तो सीज़र ले लेते हैं। उससे पहले मैंने गाइस ये वाली भी शेयर की है कि हम पोर्चलुका के सीड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली बारिश में भीग गया था ये, इतने ज़्यादा हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो अब ज़रूर देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर अगर जब हम लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो ये पूरा सूख जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैसे इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। हेलो काकू, तो इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या लेके आए हो मेरे लिए? ओ थैंक यू। तो ये जो पत्तियाँ हैं इसकी पत्तियों को हम नीचे वाली पत्तियों को तीन चार को काट लेते हैं, निकाल देते हैं और दूसरे स्टैंड को वैसे एज पर लगा देते हैं। तो गाइस लीव्स मैंने इसकी पांच छह रिमूव कर ली हैं, तो वहीं नोड से निकलेगा और यहाँ मैंने एक होल कर लिए इसको लगाने के लिए, दो तीन पत्तियों की नोड इसके अंदर जानी चाहिए। और इसका फेसिंग थोड़ी साइड कर देते हैं और इसको हल्का सा हमने प्रेस कर देना है। जूस लेके आइए मेरे लिए, थैंक यू। मार्केट से? थैंक यू बेटा, बस खत्म हो गया, तो खत्म। और ये काफ़ी मतलब कि वैसे नहीं कि ये पत्तियाँ इसकी झड़ेंगी, जैसे जितनी पत्तियाँ हैं उतनी पत्तियों से ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा अपनी। और गैस जितनी भी स्टेम्स पहले कट की थी ना, जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ से की थी, तो उसकी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शूट्स और निकली हैं। ये देखिए यहाँ से भी स्टेम निकली, यहाँ से भी निकली और प्लांट बुशी भी हो गया। और ये वाली स्टेम है जैसे कि इसको भी काटा था यहाँ से, हाफ लेंथ की थी, तो इसकी भी निकल रही हैं, न्यू ग्रोथ इसकी भी स्टार्ट हुई है। इधर से ये काटे थे तो इधर से नई पत्तियाँ ये भी निकल रही हैं, निकल तो वाइट ही रही हैं, लेकिन मतलब कि प्लांट की ग्रोथ काफ़ी हो गई, काफ़ी बुशी बन गए, नीचे से भी इवन की पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इतनी केयर नहीं मांगता ये प्लांट, इजीली ग्रो होने वाला है। जितनी भी कटिंग्स लगाते हैं उसमें 100% सक्सेस रेट मिलता है हमें, और पानी वगैरह की इतनी ज़्यादा मतलब दो तीन बाद हमें देना है इसे पानी, और थोड़ा सेमी शेडेड में एरिया में भी रख सकते हैं और सनलाइट में भी रख सकते हैं, बस थोड़ा लीव्स में डिफरेंस आता है और प्लांट की ग्रोथ ऐसे सन में ज़्यादा होती है इसकी, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो मॉइस्ट रखिए इसकी और ट्रिमिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए, हार्ड प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं डरना उसके लिए। अगर आपका प्लांट लैगी हो रहा है तो हार्ड प्रूनिंग करेंगे, प्लांट जो निकल के आएगी उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आएगी, फ्रेश आएगी, और उसकी जो उसकी मतलब कि पत्तियाँ हैं वो डबल ही हो जाएंगी, टहनियाँ डबल ट्रिपल होके आती हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर और वीडियोस में किसी और वीडियोस के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि टाइमली आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोस बनाते हैं किसी और टॉपिक पे। और ये हैंडमेड पॉट्स जो कि मेरी बेटी ने बनाए हुए हैं, ऐसे पॉट्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, जैसे कि इधर भी देख रहे हैं, ये भी वाइट सीमेंट के बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं लेकिन इसमें प्लांट्स, ये भी वाइट सीमेंट के हैं पॉट्स, ये भी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छे लगते हैं रखे हुए ना। और ये भी, ये पीओपी का है, ये भी काफ़ी अच्छी शेप का है।
ओके गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।